तो अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार, आप लोग सोच रहे होंगे मैं आरी वगैरह सबको ऊपर क्यों लेके आया हूँ, तो अभी मैं बताता हूँ आपको ज़रा। तो अभी हमारी बत्तख है यहाँ घूम रही है, अगली कैट आराम कर रही है, और स्नो भी अभी नीचे था, उसको भी ऊपर लेके आया हूँ। तो यार ये मैं ऊपर इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी हमारे जो मुर्गे हैं, जैसे शेख साहब हो गया, तबाही हो गया, दस मुर्गा हो गया, ऐसे सारे मुर्गे, इनकी एक कील निकल चुकी है पाँव से, जो अक्सर मुर्गों के निकल जाती है, तो इनकी कील निकल जाती है ना, वो काफ़ी निकली, उससे मुर्गियों को नुकसान होता है, ज़ख़म हो जाते हैं मुर्गियों के। हमारी दो मुर्गियों के ज़ख़म भी इस वजह से हो चुके हैं दोनों के, एक तो पहले था, एक के अभी आजकल में भी हो गए, तो इसलिए बफ मुर्गा हमने अलग कर दिए। तो अभी हम इनकी जो कील काटेंगे। तो यार पहले हम अपने शेख साहब को पकड़ लें। तो यार ये देखें, ये उस कील की वैसे ही हमारे बफ मुर्गे के नाखून से कट गया था सारा, इसके यहाँ दवा भी अभी हम लगा रहे हैं, अभी पॉलीफेक्स लगाएंगे उसके, तो उसके बाद अपने। और एक मुर्गी, बफ मुर्गी, वो भी कोने में ढर के भी घुसी हुई, वो कोने पे बैठी हुई। तो ये जो कील होती है ना, इनके काटना ज़रूरी होती है, वरना फिर ये मुर्गियाँ सारी ज़ख्मी होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमने अपने लाल पट्टा जो है हमारा शेख साहब है उसकी ये कील काटी, काफ़ी देर में कटी थी क्योंकि उसका ब्लेड तेज़ नहीं था ज़्यादा। अगर आप लोगों ने अपने घर में मुर्गे पाले में, उनके भी नाखून इतना बड़ा हो चुका है, तो तेज़ धार वाली आली लें और फिर उससे जल्दी जल्दी काटें, काटते वक्त थोड़ा खून भी आए तो कोई मसला। तो यार हमने अभी अपने शेख साहब की जो पाँव के नाखून होते हैं वो काट चुके हमने। तो यार अब बारी है अपने बफ मुर्गे को निकालने, पहले बफ मुर्गे को काट लें, उसके बाद तबाही को खोलेंगे। तो यार हमने अभी बफ मुर्गे का भी काट दिए, उसका असली नहीं दिखाया क्योंकि इसका छोटे से ही नाखून थे, तो बस नुकीलापन ख़त्म करना था, जैसे हमारे इसका शेख साहब का बड़ा था ना नाखून, तो इस वजह से मैंने दिखा दिया था। बाकी भी तबाही की बारी है, तबाही को निकालते हैं, मैं उसका भी दिखाता हूँ आपको। तो यार जब तक से अपने तबाही को मेरा छोटा भाई पकड़ रहा है, जब तक से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। तो यार अब शेख साहब यहाँ पर तबाही आ गया, अब इसके नाखून काटने की बारी है। तो फिर मैंने तेज़ धार वाली ब्लेड से इसका नाखून काटा, और देखें कितना तेज़ कट रहा है, ये भी स्पीड में काटें ताकि सेकंड में कट जाए, ताकि दर्द भी ना हो। अब देखें जैसे यहाँ पे थोड़ा सा खून इसका आया, ब्लीडिंग हुई है, तो वो कोई मसला नहीं है, आपने रुई को सरसों के तेल में डुबो के वो लगा दें, खून फ़ौरन रुक जाएगा। देखें आप लोग, खून रुक गया फ़ौरन। तो अब बारी है इसके दूसरे पाँव के नाखून काटने की, तो भी इसी तरह तेज़ धार वाली आरी से काटा हमने और फ़ौरन कट जाते हैं, इससे इनको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती। और अगर आप लोगों को भी काटना है तो ऐसे ही ब्लेड लें जो सेकंडों में कट जाए फ़ौरन, और फिर फ़ौरन उसके बाद रुई को डिप करके तेल में लगा दें, खून रुक जाएगा। यार हमने अपने तबाही का भी नाखून काट चुका है, बाकी हल्की सी ब्लीडिंग होती है इनके नाखून में, नाखून से किसी एक नाखून में होती है दोनों पाँव में, तो उसका हल ये है कि आपने थोड़ा सा सरसों का तेल रुई में डिप करके वो लगा दें, और स्पेस सीकाटीन पाउडर वगैरह डाल दें, खून फ़ौरन रुक जाते हैं, एक दो कतरे निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा नहीं निकलता। अब हम अंदर से किसी एक मुर्गे को पकड़ते हैं। तो यार ये काफ़ी मुश्किलों से पकड़ हाथ में आया, ये बफ मुर्गा भाग रहा था बाहर, अभी हम इसका नाखून काटते हैं, देखें नाखून चेक करें कितना नुकीला नाखून है इनके। तो यार इस वाले बफ वाले बफ के मुर्गे भी काट चुके हैं नाखून, अब बारी है हमारे ऑरेंज बफ की बारी है। तो इनके नाखून ज़रा छोटे छोटे से हैं ना, तो कैमरे में वो वैसे सही से नज़र नहीं आ रहे, तो वैसे मैं दिखा नहीं रहा, तो अब पकड़ते हैं इसको। तो हमारे इस वाले ऑरेंज वाले बफ मुर्गे ने हमें इतना तंग किया था, इतना तंग किया था, ये अपने नाखून नहीं कटवा रहा था, पाँव बार बार हिलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। तो यार फाइनली हमने सारे उनके नाखून काट लिए, ये रे एक के ज़रा खून आया था हल्का सा, उसका भी हमने इसी ग्रीन पाउडर लगा दिए। तो यार फाइनली अपने सारे मुर्गों के हमने कील काट चुके, और इन सबको दाने के लिए हमने खोल चुके, ये खोला ही था, ज़बरदस्ती सारे बाहर आ गए। हाँ मैं तो मुर्गे को निकाला था, वो जैसे निकाला वो सारे बाहर निकल के आ गए। तो यार सिल्कियों को हम खोल देते हैं। हम इसके भी नाखून काटते हैं, मत इसका नुकीले नाखून नहीं है ना, इसके बड़े तो लेकिन नुकीले नहीं है।
तो दोस्तों हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक करिए अल्लाह हाफिज़।